जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो अभी टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है UPPCL बार्क वगैरह एग्जामिनेशन, तो उसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे प्रीवियस क्लासों को देख सकते हैं। आगे की क्लास में, आज की क्लास में हम जो उस सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। कल तक क्वेश्चन हमने दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन 33 क्वेश्चन कर लिए थे, आज की क्लास में 34 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो जो भी दोस्तों हमारे चैनल से नए जुड़ने से रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5S अवधारणा जो होती है, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है? 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको DMRC में पूछा गया 2020 में। 5S अवधारणा जो होती है उसका दूसरा चरण क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था, सॉर्टिंग आउट यानी छंटाई, सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्व अनुशासन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो 5S अवधारणा जो होती है, पहले दोस्तों 5S अवधारणा जो है वो जापान में दी गई थी, ठीक है। तो ये औद्योगिक मानकों को निर्धारित करने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। अब इसमें कौन कौन से चरण है और उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके चरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला चरण में दोस्तों क्या आता है कि उसको हम देख लेते हैं, पहला चरण क्या होता है। तो पहले चरण में अगर दोस्तों हम बात करें तो पहले चरण में क्या होता है दोस्तों? सॉर्ट करना। क्या करना? सॉर्ट। पहला चरण 5S अवधारणा जो होती है उसमें क्या होता है? सॉर्ट यानी कि छंटाई करना। क्या करना दोस्तों? छंटाई करना। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, हमको दूसरे चरण का पूछा है, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं? सेट इन ऑर्डर। क्या करते हैं? सेट इन ऑर्डर, ठीक है। सेट इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? सुव्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं हम उसको? सुव्यवस्थित करते हैं। दूसरा क्या दोस्तों? सेट इन, दूसरा जो चरण बच्चों होता है सेट इन ऑर्डर होता है। क्या होता है बच्चों? सेट इन ऑर्डर। दूसरा जो चरण होता है क्या होता है बच्चों? सेट इन ऑर्डर होता है। क्या होता है? सेट इन ऑर्डर होता है। क्या होता है? सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्था। इसको दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो चरण है दोस्तों, आपको ये तीनों चरण कॉपी में अपने लिख लेना है ताकि आपको ध्यान रहे। 5S कॉन्सेप्ट से एक दो क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं। तो पहला चरण सॉर्ट छंटाई, दूसरा सेट इन ऑर्डर या फिर इसको हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तीसरा जो चरण होता है वो क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। साइन को बोलते हैं दोस्तों हम क्या बोलते हैं? चमक या स्वच्छता भी बोल सकते हैं। उसके अलावा चौथा जो चरण होता है हमारा, चौथा जो चरण होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मानकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मानकीकरण बोलते हैं। पांचवा जो चरण होता है हमारा, अंतिम चरण जो होता है उसको बोलते हैं सस्टेन। क्या बोलते हैं? सस्टेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? सस्टेन। सस्टेन को हम क्या बोलते हैं? अनुशासन। क्या बोलते हैं? अनुशासन। अनुशासन कहते हैं दोस्तों इसको। हम क्या बोलते हैं? अनुशासन। तो 5S कॉन्सेप्ट में दोस्तों पहला चरण क्या होता है? सॉर्ट यानी छंटाई करना है। सबसे पहले उसको छंटाई करना है, उसके बाद सॉर्ट इन ऑर्डर यानी कि उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है, उसके बाद स्वच्छता का यानी साइन का ध्यान रखना है, उसके बाद मानकीकरण करना है, उसके बाद अनुशासन। ये पांच चरण दोस्तों 5S कॉन्सेप्ट होता है। ये जापानी जो इंडस्ट्री जो होती है उसमें औद्योगिक मानकों को निर्धारित करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया था। दोस्तों उम्मीद है आपको दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन समझ में होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिजली से लगी आग को, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? बिजली से जो लगी आग होती है, बिजली से जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलोन, हेलोन के बाद अगर हम देखें हेलोन, पानी, फोम, लिक्विड रसायन।
तो बिजली से लगा आग को बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, हेलोन टाइप का यूज करते हैं। किसका करते हैं, हेलोन का करते हैं। पानी का फोम का यूज नहीं, फोम में भी क्या होता है, पानी होता है, लिक्विड एसेंट। बिजली लगी आग को दोस्तों बुझाने के लिए हम किसका यूज नहीं करते हैं, जो भी लिक्विड जो उसका यूज नहीं करते हैं, हेलोन का हम यूज कर सकते हैं। उसके हेलोन के अलावा अगर आपको पूछ ले तो किसका यूज कर सकते हैं हम, शुष्क जो पाउडर होता है, शुष्क जो पाउडर होता है इसको हम ड्राई पाउडर कहते हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त होता है, थ्री पॉइंट स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त होता है, शंट और कंपाउंड मोटर, शंट और श्रेणी मोटर, कंपाउंड और श्रेणी मोटर और शंट मोटर। तो दोस्तों हम थ्री पॉइंट स्टार्टर जो होता है, थ्री पॉइंट जो स्टार्ट होता है उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, तो थ्री पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो शंट और कंपाउंड मोटर दोनों में यूज लिया जा सकता है समान रूप से। शंट में तो इसका यूज करते हैं, उसके अलावा कंपाउंड में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सुचालक की प्रतिरोधकता, अब दोस्तों थोड़ा इसमें थ्री पॉइंट स्टार्टर के बारे में एक चीज फैक्ट और देख लेते ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प लें। दोस्तों स्टार्टर का यूज मोटर में क्यों करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो स्टार्टर जो होते हैं मोटर में क्यों लगाते हैं, तो अत्यधिक जो धारा आती है, अत्यधिक धारा जो आती है उसको सीमित करने के लिए, अत्यधिक धारा सीमित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के समय आर्मेचर में बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति होती है, इसके कारण क्या होता है, करंट क्या होती है ज़्यादा लेती है, इसके कारण मोटर जुड़ सकती है। इसके लिए हम मोटर में स्टार्टर यूज करते हैं। उसके अलावा जब स्टार्टर यूज करते हैं हम, तो स्टार्टर का यूज करने के कारण क्या होता है कि हम इसकी मोटर की जो बात करते हैं उसकी स्पीड को आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को रेगुलेट करना आसान हो जाता है। यानी कहने का मतलब हम मोटर को आसानी से सुविधाजनक रूप से चला सकते हैं। उसके अलावा अगर बिजली है या फिर लाइट की अनुपस्थिति है उस समय भी मोटर अपने आप क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटर ऑफ हो जाती है। जब सप्लाई अनुपस्थित हो जाए तो मोटर क्या हो जाएगी, अपने आप ऑफ हो जाएगी। और जब तक आप क्या नहीं करेंगे, स्टार्टर को ऑन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपकी मोटर क्या रहेगी, ऑफ ही कंडीशन में रहेगी। किस रहेगी, ऑफ कंडीशन रहेगी। जब तक ऑपरेटर क्या नहीं करेगा, क्या नहीं कर देता, उसको ऑन नहीं कर देता। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सुचालक की प्रतिरोधकता की कही होती है। सुचालक क्या होता है दोस्तों, कंडक्टर होता है। क्या होता है, सुचालक हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो सुचालक की प्रतिरोधकता की कही क्या होती है, ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, तो ओम वर्ग मीटर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रतिरोधकता दोस्तों क्या होती है, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। ये कैसे आते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रतिरोध हमको पता है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध समानुपाती किसके होते हैं, लंबाई के। यानी अगर हम किसी सर्किट में प्रतिरोध बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, प्रतिरोध जब हम बढ़ाते हैं तो, यानी कहने का मतलब अगर हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं या लंबाई बढ़ाते हैं तो सीधा समानुपात में क्या बढ़ती है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है या लंबाई बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा जब हम एरिया की अगर बात करें, तो प्रतिरोध जो होता है वो एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एरिया को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं। एरिया की किसकी बात करें, चालक तार की। तो चालक तार के जब हम एरिया को बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का जो मान होता है, जो आर का जो मान होता है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और अगर एरिया के मान को हम बढ़ाते हैं तो इसका विपरीत, यानी कि आर का मान क्या हो जाता है, यानी सॉरी यहाँ पर अगर क्या करते हैं, अगर एरिया को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, एरिया को जब हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो दोस्तों सूत्र क्या आता है, तो सूत्र ये आता है आर बराबर, आर इज इक्वल टू रो, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या आता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आता है, ठीक है। जब हम रो की बात करते हैं तो रो क्या निकलती है, रो बराबर आर ए अपॉन एल निकलता है। क्या निकलता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल निकल। जब हम इसके सूत्र जब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अब इसकी अगर यूनिट निकाल कैसे निकालेंगे, तो आर की वैल्यू हमको पता है क्या होता है, ओम, क्या होती है, ओम होती है, इंटू में एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, या सेंटीमीटर स्क्वायर आप मान सकते हो। और बट्टे में क्या होती है, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से जब मीटर कटेगा तो यहाँ पर एक मीटर बच, यानी कि ओम इंटू मीटर इसकी इकाई होती है। क्या होती है, ओम मीटर इसकी करेक्ट आंसर। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है।
तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। उसके अलावा जो अलग जो इसमें फैक्ट बन सकते थे आपके आप आपका साथ में रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो 12 का एग्जामिनेशन अभी काफ़ी नियर बाई है, तो इसके अनुसार हम आपको तैयारी करा रहे हैं। और उसके अलावा जो अदर एग्जामिनेशन उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको जो थ्योरी वो भी बताया था कि आपका दिमाग वापस रिविजन हो सके, इसलिए मैंने आपको दोबारा ये रिविजन कराया। बाकी ये चीज़ें सभी को पता होती है, और नहीं भी पता होगी तो अब आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पीयर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध कितना है? 0.8 ओम है। आर्मेचर प्रतिरोध कितना है? 0.8 ओम है। तो आर्मेचर विद्युत धारा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? आर्मेचर विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो हम आर्मेचर विद्युत धारा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हमको देखना है। तो ये क्वेश्चन जब हमको देते हैं दोस्तों, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चनों को, क्योंकि जब इन क्वेश्चनों करते हुए भी बच्चे कई बार इन क्वेश्चनों को गलत कर देते, क्योंकि उन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने से क्या होता है कि काफ़ी उसमें आसानी रहती है, और आप एक्यूरेसी से कम समय लेते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों संट जनरेटर की जगह हमने गलती से मोटर भी पढ़ लिया तो भी आंसर में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि मोटर और जनरेटर के जो होती है ईएमएफ इक्वेशन जो होती है उसमें प्लस माइनस का फर्क रहता है। इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमको पूछ किसका रखा है, तो आपको क्वेश्चन में देख क्या रखा है, संट जनरेटर दे रखा है। क्या दे रखा है? संट जनरेटर दे रखा है। दोस्तों संट जनरेटर के बारे में हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। संट जनरेटर क्या होता है? ये दोस्तों हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में ये फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है? फील्ड शंट वाइंडिंग होती है, हमको पता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये हमारा आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर किसके पैरेलल क्रम लगा रहता है? जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल क्रम में क्या लगा रहता है? आर्मेचर में लगा रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा रहेगा? ये हमारा आर्मेचर लगा रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग हुई। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ये क्योंकि जनरेटर है तो क्या निकालेगा बाहर? प्लस और माइनस वोल्टेज निकालेगा। अब दोस्तों आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आपको दोस्तों इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना, ताकि आपका क्वेश्चन ढंग से सही हो पाए। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जनरेटर, जैसे जनरेटर है तो जनरेटर बाहर ईएमएफ निकालता है। क्या निकालता है? बाहर जनरेटर जो होता है क्या निकालता है? ईएमएफ निकालता है। क्या निकालता है? ईएमएफ निकालता है। तो जो ईएमएफ जो निकालेगा जनरेटर, जो हमेशा ईएमएफ निकालेगा जनरेटर में, जो अपने को ईएमएफ मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरह के वोल्टेज भी होते हैं। यहाँ पर जो हमको आउटपुट में जो मिलेगा, हमको जो यहाँ पर जो दोस्तों वोल्टेज मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। जो हमारे को जो यहाँ पर दोस्तों जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा, टर्मिनल पर जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? वीटी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा? वीटी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो ये दोस्तों आउटपुट में जो हमको वोल्टेज मिलेगा, ये हमेशा इसमें जो पैदा होगा, इसमें पैदा होगा दोस्तों आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होगा। ध्यान से दोस्तों आपको मेरी बात सुननी है ताकि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो पाए। बाकी दोस्तों इसके सूत्र को देखने के लिए हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन वो सूत्र याद नहीं रहते, बच्चे उसमें कन्फ्यूज होता है। इसलिए मैं इन बातों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। इसलिए दोस्तों हम इन कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेकर चले ताकि हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आर्मेचर में जो पैदा होगा, ये जो हमारा आर्मेचर है इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो टर्मिनल पर हमको जो वीटी टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। वो आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, आर्मेचर में जो पैदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जनरेटर है तो जनरेटर में जो पैदा ईएमएफ होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? हमको पता है कि आर्मेचर में ही हमारा क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है। तो जिसमें पैदा होगा उसमें तो वोल्टेज हमेशा ज्यादा ही निकलेगा। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो टर्मिनल पर वोल्टेज हमेशा क्या निकलेगी? हमेशा कम निकलेगी। क्या निकलेगी? कम निकलेगी, क्योंकि इसके सर्किट को भी जब पूरा करेगा थोड़ा बहुत ड्रॉप तो ये भी कर जाएगा, फील्ड वाइंडिंग भी उस वोल्टेज को ड्रॉप करेगी और आर्मेचर का भी खुद का थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो होता ही है। तो आर्मेचर में जो हमेशा ये हम बनेगा वो हमेशा ज़्यादा बनेगा, और टर्मिनल पर जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमेशा दोस्तों कम मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है,
और इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी आपसे क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर जनरेटर है, जनरेटर आपको उम्मीद है समझ में होगा, जनरेटर में दोबारा बताता हूँ, ये दोस्तों आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होगा, आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा वो हमेशा दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। यहां पर दोस्तों मैं जनरेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आर्मेचर में जो पैदा ईएमएफ होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, और टर्मिनल पर बीटी जो वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर इसकी जगह मैं अगर मोटर ले लूं, क्या ले लूं, इसकी जगह अगर मैं मोटर ले लूं, ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं मोटर ले लूं तो मोटर में क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटर में इसका उल्टा हो जाता है। कैसा उल्टा हो जाता है, आप सुनिए, अब आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, अब क्यों इसका उल्टा हुआ, क्योंकि यहां पर हम क्या दे रहे हैं, मोटर में हम इसको क्या दे रहे हैं, ईएमएफ दे रहे हैं, मोटर में हम ईएमएफ इसको दे रहे हैं, अंदर से क्या दे रहे हैं, ये बाहर नहीं निकाल रहा, मोटर में हम इसको अंदर से दे रहे हैं, तो बाहर जो आरोपित वोल्टेज होगा वो बताइए आप मेरे को, ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि वीटी हम इनपुट में ज्यादा दे रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज समय से ज्यादा ही होगा, और जो इसको जो ईएमएफ मिलेगा आर्मेचर को वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। बस दोस्तों तो आर्मेचर में हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। किसकी बात बता रहा हूँ, मोटर की बता रहा हूँ, मोटर में हमेशा मेरे को आर्मेचर में जो मिलेगी वोल्टेज वो क्या मिले, कम मिलेगी, और टर्मिनल पर क्या मिले, ज्यादा मिले, क्यों मिले, क्योंकि टर्मिनल पर तो हम दे रहे हैं इसलिए ज्यादा ही होगी, और आर्मेचर में जो बन रही है वो तो कम ही बने क्योंकि मोटर की बात हो रही है। अब दोस्तों ज्यादा आपका समय ना जाहिर करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दोस्तों हमको जनरेटर दे रखा है, क्या दे रखा है, जनरेटर दे रखा है, तो जनरेटर मैंने आपको बताई थी, जनरेटर में वोल्टेज जो आर्मेचर बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और जो आपका टर्मिनल वोल्टेज वो क्या कम बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। अब इसके अनुसार जो इसकी ईएमएफ इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं, क्या बनती है, ई बराबर क्या बनती है, ई बराबर वी प्लस में आई ए डॉट में आर आई बनती है, क्या बनती है, ई बराबर वी प्लस में आई ए डॉट में आर ए बनती है, क्या बनती है, आर ए बनती है, E बराबर वी प्लस आई ए डॉट में आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर मोटर हो जाए तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि मोटर में मैंने बताया ईएमएफ हमेशा हमको कम मिलेगा, किस पर ईएमएफ, ये कौन सा किसका ईएमएफ है, ये आर्मेचर का ईएमएफ है दोस्तों, किसका है, आर्मेचर का ईएमएफ है, ठीक है, तो ये हमेशा उसमें मोटर में कम मिलेगा, और जब बात करते हैं हम जनरेटर की, जनरेटर में ये ज्यादा होता है, प्लस में होता है इसका चिन्ह, ठीक है। अब दोस्तों हम फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको दोस्तों इसमें, इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रखी, आर्मेचर की करंट पूछ रखी, क्या दे रखी है दोस्तों, हमको सिर्फ आर्मेचर विद्युत धारा ही पूछी है, तो आर्मेचर विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको क्या पूछ रखी, आर्मेचर धारा पूछ रखी है, तो आर्मेचर विद्युत धारा दोस्तों कैसे निकलेगी, तो आर्मेचर धारा दोस्तों हमारी आई ए जो है कैसे निकल सकती है, हमारे पास दोस्तों हमारे पास में टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर की विद्युत धारा की आपूर्ति करता है, 440 वोल्ट पर क्या करता है। अब दोस्तों ये मैंने सूत्र देख ले, E बराबर V प्लस I डॉट में आ रहा है, दोस्तों हमें इस, हमको इस क्वेश्चन में दोस्तों सीधी क्या पूछ रही है, आर्मेचर करंट पूछ रही है, क्या दोस्तों इसमें पूछ रही है हमको, डायरेक्ट इसमें दोस्तों आर्मेचर करंट पूछ रखी है, तो आर्मेचर करंट निकालने दोस्तों हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधा एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं काम, देखिए आर्मेचर करंट का सूत्र हमको पता है दोस्तों क्या होता है, डीसी जो शंट जनरेटर उसके लिए सूत्र क्या होता है, आई आर्मेचर क्या होता है, आई लोड प्लस में आई शंट, ये दोस्तों समझ में आ गया, और ये सूत्र होता है दोस्तों आर्मेचर करंट निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमको आर्मेचर की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, आर्मेचर विद्युत धारा हमको निकालनी, लोड की हमको धारा दे रखी है 40 एम्पीयर लोड पर प्रदान करते, 40 एम्पीयर आ गया, शंट धारा का पहले दोस्तों हमको मान निकालना पड़ेगा, तो इससे निकल जाएगा, इस सूत्र की हमको आवश्यकता नहीं, अभी इस पर काटा लगा रहे थे, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, इसको आप भूल जाना है, ये तो दोस्तों आपकी मैंने दिमाग चेक करने के लिए बताया था कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, इस सूत्र का यूज नहीं करना है, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए बताया कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चनों में हम कैसे कैसे फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, इस सूत्र की हमको आवश्यकता नहीं है, सीधा हमको आई ए बराबर आई एल प्लस माई शंट का यूज करना है, ठीक है। तो अब इसमें आई शंट की वैल्यू सबसे पहले हमको निकालने पड़े, क्या निकालना पड़े, आई शंट की वैल्यू, तो वो दोस्तों कैसे निकलेगी, V बटा आर एस एस से, कैसे निकलेगी, V बटा आर एस एस, कैसे निकलेगी, V बटा आर एस एस से, क्योंकि शंट की धारा अगर हमको पता लग गई तो हम आर्मेचर धारा निकाल सकते हैं, लोड तो हमको पता रखिए,
तो हमको पता है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज रहता है वो तो हमें समान रहता है, तो वी जो वोल्टेज है कितना है, 440 है, हमको पता है 240 वोल्ट दे रखा है। उसके अलावा हमको संट प्रतिरोध दे रखा है, आई शंट पर वी बटा आर एस एच होता है, आर संट प्रतिरोध कितना दे रखा है, तो ये हमारे पास में संट फील्ड प्रतिरोध दे रखा है 220 ओम। कितना दे रखा है, 220 ओम। जब हम इसको सोल्व करें कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास में आर्मेचर की वैल्यू हमको निकालनी, तो लोड धारा कितनी दे रखी है, हमको लोड धारा दे रखी 40 एम्पियर, 40 प्लस में संट धारा कितनी दे रखी है दोस्तों, 2, कितनी दे रखी है, 2, यानी कितना होगा दोस्तों, 42 एम्पियर, कितना होगा दोस्तों, 42 एम्पियर। ये दोस्तों हम क्वेश्चन पहले भी निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन मैंने दोस्तों आपको इतना क्यों बताया, ताकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है दोस्तों। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको जो क्वेश्चन बन रहे उसके साथ साथ में उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी बता जाए, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए वो हेल्पफुल है, इसलिए मैंने आपका दोस्तों रिविजन किया है। तो दोस्तों आर्मेचर करंट सीधी निकालनी, तो आपको सीधा फॉर्मूला ये लगाना दोस्तों, आई आर्मेचर बराबर आई लोड प्लस आई शंट लगाना आपको, ठीक है दोस्तों। ये जनरेटर के लिए सूत्र है, किसका सूत्र है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ, आई आर्मेचर आई लोड प्लस शंट से निकालनी है, शंट धारा हमने निकाल ली वी बटा आर एस एस से, 440 बटा 220, यानी इसको सोल्व किया हमने कितना है, 2 एम्पियर आ चुका है, कितना है, 2 एम्पियर। लोड धारा हमारे पास 40 एम्पियर, 2 शंट धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई, यानी 40 प्लस 2 42 एम्पियर आ चुकी, कितनी आ चुकी है दोस्तों, 42 एम्पियर आ चुकी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का आपको एक मजेदार तरीका बताता हूँ, इसको आप सीधा कैसे कर सकते हैं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, अगर दोस्तों इसमें तो ठीक है 41-42 दे रखा है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दोस्तों इस तरीके से अगर मिल जाए 39, उसमें दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। 39 जैसे आपको दे दे, उसके अलावा आपको दे दे 37, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको दे दे 45, ठीक है, और 50 दे, ये हमको दो तरह के ऑप्शन दे दे, तो इस तरह के ऑप्शन जब आ जाए तो हम इस तरह के ऑप्शन में इस ऑप्शन को देखते हम इस आंसर को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में आर्मेचर में जो करंट आएगी, आर्मेचर में जो करंट आएगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, लोड से। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, ठीक है। अब आर्मेचर में दोस्तों आपको एक चीज बताई थी, आर्मेचर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आर्मेचर में करंट का मान क्या रहता है, ज्यादा रहता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर हमको लोड धारा बता रखी है 40 एम्पियर, तो 40 एम्पियर तो दोस्तों है, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर जो आएगा हमेशा दोस्तों 40 से ऊपर ही आएगा, क्या आएगा, हमेशा 40 से ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जनरेटर का जो, अगर हम बात करें जो आर्मेचर है, जनरेटर का जो आर्मेचर उसमें हमेशा लोड से ज्यादा ही करंट होगी, क्या होगी, लोड से ज्यादा होगी करंट दोस्तों मेरा ये देखो बेसिक बताने का तरीका आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया इसमें दोस्तों आपको 40 बताया, ठीक है, 40 जब बताया तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 40 से ज्यादा ही आना चाहिए, तो ये दोनों पर काटा लगा दो, ठीक है, इसका ऑप्शन लगभग कितना आएगा, 45 के आसपास आएगा, तो 50 काट लगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो सीधा आंसर इसका क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 5, यानी 45, यानी कि 45 का आंसर सही होगा। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बात की, इसका 45 तो आंसर नहीं है, 40 इसका 42 ही है दोस्तों, इसके अनुसार आप ऑप्शन को देखते हुए भी कर सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, अगर इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या मानना है, इससे लोड धारा से हमें ज्यादा ही मानना है, तो कम दे हो तो उसको पहले ही काट दो, इसके लगभग दोस्तों लोड धारा के आसपास ये लगभग 2 एम्पियर के आसपास ये अंतर रहता है, 2 या 4 एम्पियर, ज्यादा इसमें अंतर नहीं आता है। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा, आगे क्लास को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें, अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।